अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद तौकीर अख्तर है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बड़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो जिसका टॉपिक है परमिट टू वर्क सिस्टम या सेफ वर्क सिस्टम। इससे पहले कि वीडियो शुरू करूँ, मैं अपने बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। मैं ग्रेजुएट मेंबर हूँ आयोश का, लेवल 6 डिप्लोमा मैंने किया हुआ है, निबोस सर्टिफाइड हूँ, आयोश ट्रेनर सर्टिफाइड हूँ, मेरा 15 ईयर का एक्सपीरियंस है ऑयल एंड गैस में। दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखिएगा, आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर ये आपको अच्छी लगे प्लीज इसको शेयर कीजिएगा वीडियो को और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आज का टॉपिक जो है सेफ वर्क परमिट्स के बारे में है। इसको परमिट टू वर्क भी कहते हैं, सेफ वर्क परमिट्स भी कहते हैं, वर्क परमिट सिस्टम भी कहते हैं। तीनों इसको अल्फाज डिफरेंट जगह पे डिफरेंट लोग कहते हैं, डिफरेंट कंपनीज कहती हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री कहती है। जी सेफ वर्क परमिट्स होता क्या है, इसका मैंने बता दिया आपको कि ये इजाजत लेनी पड़ती है। कोई भी हैजर्डस एरिया में या हैजर्डस जॉब होती है उसको आपने करना होता है तो आपको परमिशन लेने की जरूरत होती है। परमिशन कौन देता है, क्लाइंट देता है या ऑनर देता है उस जगह का, या गवर्नमेंट देती है अगर गवर्नमेंट के अंडर वो काम करें। ठीक है, तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है जिसके, एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल क्या फैमिलियर विद जॉब रिक्वायरिंग सेफ, कौन कौन सी जॉब्स ऐसी हैं जिसके लिए आपको सेफ वर्क परमिट सिस्टम चाहिए होगा। ठीक है, और आप सेफ वर्क सिस्टम परमिट सिस्टम से थोड़ी अवेयरनेस फेमिलियर हो जाएंगे। ठीक है, पता लग जाएगा आपको। और पास योर क्विज विद 100% और आप इजीली 100% मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन खैर क्विज तो कोई नहीं होगा, लेकिन ये है कि हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये कुछ है आपके सामने, परमिट है, एक सेफ वर्क परमिट, कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट है, कटिंग वेल्डिंग परमिट है। वो कहता है देयर करंटली आर सेवरल डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर कॉल्ड सेफ वर्क, कुछ काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है इसमें, कन्फाइंड स्पेस है, हॉट वर्क है, लॉकआउट टैग आउट है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ जनरल सेफ वर्क परमिट भी कई कंपनीज में इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया, अब कटिंग वेल्डिंग हॉट वर्क इसे कहते हैं। हॉट वर्क परमिट जो है वो इशू करता है फायर मार्शल या कोई परमिट अथॉरिटी, पर्सन अथॉरिटी कहते हैं, कईयों पे परमिट इशूर कहते हैं, डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, इसमें सारे के सारे डिस्कस की जाती है क्यों इसको हॉट वर्क कहते हैं, क्योंकि इसका फायर एक्सप्लोजन का खतरा होता है। ठीक हो गया, इसमें आप देख सकते हैं कि लोकेशन है, जॉब नंबर है, डेट लिखी हुई है। ठीक है, लोकेशन बिल्डिंग लिखी हुई है, नेचर ऑफ जॉब कौन है, वेल्डर का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, परमिट एक्सपायर कब होगा, डेट हुआ, ये इसमें लिखा जाता है। इसके अलावा जो है कन्फाइंड स्पेस एंट्री है, इसका परमिट होता है। ठीक है, उसको को कहते हैं सेफ वर्क परमिट रेगुलेटिंग, ये पिट्स के अंदर काम करना होता है, टैंक के अंदर, वेसल्स के अंदर काम करना होता है। ठीक है, उसको कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट कहते हैं। तीसरा जो इसमें आता है कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट में, लाइन ब्रेकिंग परमिट्स है, हॉट वर्क परमिट विल बी डिस्कस। वो अगर कन्फाइंड स्पेस एंट्री के अंदर काम करें हॉट वर्क का, तो फिर भी आपको दो परमिट्स चाहिए होंगे, कन्फाइंड स्पेस का अलग चाहिए होगा और वेल्डिंग कटिंग का अलग चाहिए होगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। सेफ वर्क परमिट सिस्टम इज टू आइडेंटिफाई हैजर्ड्स, इसमें आप नॉन रूटीन जॉब्स जो होती हैं वो डिस्कस करनी होती है। ठीक है, ताकि उसमें हैजर्ड्स के बारे में आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर लें। ठीक है, और प्रिकॉशन बता दें कि ये हैजर्ड्स हैं और ये इसके साथ है, ये आपके सामने इसका एक फॉर्मेट भी बनाया गया। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी। लेट्स बिगिन विद अ लुक एट द हैजर्ड्स स्पेसिफिक, कौन सी जॉब्स हैं जिनके साथ हैजर्ड्स हैं, तो उसके बारे में डिस्कस होता है। ठीक है, वर्क परमिट क्या होता है, ये आप जब कम्युनिकेट करते हैं तो आप इंजरी से, डैमेज से, या कोई फायर से या एक्सीडेंट से बच जाते हैं। ये एग्जांपल है जी, हॉट वर्क है, इसमें बताया ये ओपन फ्लेम, वेल्डिंग, कटिंग आ जाती है। ठीक है, स्पार्किंग आ जाती है इसके अंदर। दूसरा जो उसने बताया जी, लॉकर ट्रैकआउट। ठीक है, तीसरा कन्फाइंड स्पेस एंट्री बताया उन्होंने परमिट के लिए, एक्सकेवेशन बताया, अगर एक्सकेवेशन पर काम करना तो परमिट चाहिए, ब्लास्टिंग, ग्रेट ब्लास्टिंग कहते हैं इसको। ठीक है, और सैंड ब्लास्टिंग भी कहते हैं, उसके लिए भी आप परमिट चाहिए होगा, लाइन ब्रेकिंग तब भी आपको परमिट चाहिए होगा। ठीक हो गया, इसके अलावा फिर अगर कोई आप और काम कर रहे हैं व्हीकल्स के रिलेटेड, तो फिर भी आपको परमिट चाहिए हो सकता है।
एक्सकवेशन कर दिए तो एक्सकवेशन के बारे में पता है आपको कि क्या कौन से आपको हो सकते हैं, हेड इंजरीज हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ बैक हॉर्स शॉफल्स हैं, ड्रिल्स हैं, ये ऑलरेडी खुद एक हैजर्ड है, इसके लिए तो आपको लाजमी चाहिए, ठीक है। इसके हैजर्ड्स क्या क्या है जी, नॉइस भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और कोलैप्स हो सकता है एक्सकवेशन, ठीक है, पोअर सॉइलिंग हो सकती है, सॉयल जो है कंडीशन ठीक नहीं होती, वेदर कंडीशन ठीक नहीं हो सकती, ठीक है, कोलैप्स ऑफ साइड्स हो सकती है, ठीक है, फॉल इनटू द पिट हो सकता है, फॉलिंग इक्विपमेंट्स, फॉलिंग व्हीकल्स हो सकती हैं, ठीक है, ये चीज़ें, इसलिए इसको आप परमिट चाहिए होता है, सेफ फॉर परमिट। अब आगे वो मजीद बता रहा है जी कि अगर एक्सकवेशन सही तरीके से बनी नहीं हुई तो वो फिर बताया कि इलेक्ट्रिकल लाइन्स अंदर अंडरग्राउंड हो सकती है, नेचुरल गैस हो सकती है, पानी की लाइन्स हो सकती है, सीवरेज हो सकता है, तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, ख़राब कर सकता है, ठीक है। उसके क्या हो सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, उसकी वजह से ये हो सकता है कि बिजनेस लॉस हो सकता है, जो है फ्राहमी जो है बाकी पानी की, गैस की या इलेक्ट्रिकल लाइन्स की, वो मुअत्तल हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या परमिट चाहिए होता है लाजमी, ताकि एक्सकवेशन करनी है, ताकि अंडरग्राउंड फैसिलिटी के बारे में पता लग जाए। अब वही चीज़ है जी, उसमें बता रहे हैं कि अगर कोई लीकेज वगैरह हो सकती है, कोई क्या नाम है कंटेमिनेशन टिंग हो सकती है, ठीक है, ऑयल वगैरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ब्लास्टिंग के बारे में बता रहा है, ब्लास्टिंग कैन कॉज डैमेज टू एडजस्टिंग ऑपरेशन, डैमेज हो सकता है, किसको हो सकता है, बंदे को हो सकता है, इक्विपमेंट को डैमेज कर सकता है, तो उसके लिए भी इंजरी वगैरह भी हो सकती है, तो उसके लिए भी आपको सेफ वर्क परमिट चाहिए होगा। इंटरनल कंबस्टन इंजन प्रोड्यूस पॉइजनस गैसेस, अब कुछ बहुत सारी ऐसी इंजन्स हैं, जैसे आप कह सकते हैं जनरेटर है, ठीक है, उसकी वजह से बहुत सारी पॉइजनस गैसेस बन सकती है, कुछ गाड़ियां जो होती हैं या कुछ इंजन ऐसे वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो उसके लिए भी आपको चाहिए सेफ वर्क परमिट। सेफ वर्क परमिट फोर्कलिफ्ट के लिए भी चाहिए, लिफ्टिंग ऑपरेशन के लिए भी चाहिए होगा, ठीक है, उसके लिए भी आप लाजमी ज़रूरत होती है, ठीक है। वर्क विच ऑर्डिनरी डज नॉट रिक्वायर सेफ वर्क, इसमें सेफ मतलब हैजर्डस ना हो, रूटीन वर्क हो, उसके लिए आपको नहीं ज़रूरत, ठीक है। फॉलोइंग अदर एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन विच मे रिक्वायर डिस्क्रिमिनेशनरी सेफ वर्क, कौन सी जी है, मूवमेंट ऑफ लार्ज पीस ऑफ इक्विपमेंट, अगर लार्ज इक्विपमेंट चाहिए तब भी मूव करना, तब भी आपको चाहिए इसका क्या नाम है सेफ वर्क परमिट, क्योंकि उसमें इंजरी हो सकती है, कोई हैजर्ड्स तो है ना उसके अंदर, वो फॉल फ्रॉम द हाइट हो सकता है, फॉलिंग मटेरियल फ्रॉम हाइट हो सकता है, इसके अलावा कोई लीकेज वगैरह हो गई है, ठीक है, वेसल से या वेपर गैसेस लीक हो गई हैं, उसके लिए भी आपको चाहिए ताकि आप उस पर वर्कआउट करें, ठीक है। और मैनी कंस्ट्रक्शन साइट एरिया क्रिएट न्यूज हाई लेवल ऑफ टू कॉज हेयरिंग, बहुत सारी ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट में बहुत ज़्यादा आवाज़ निकलती है या नॉइस लेवल हाई होता है, तो वहां भी आपको सेफ वर्क परमिट की जरूरत महसूस हो सकती है। बॉयलर्स में, वेसल्स में, टैंक्स में, ठीक है, जहां अचानक ही कोई गैस रिलीज हो सकती है, डिजास्टर हो सकता है, ठीक है, उसकी वजह से भी आपको सेफ वर्क परमिट की जरूरत महसूस हो सकती है। और परमिट में भी रिक्वायर्ड वेयर कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस, वहां भी जहां पे कंप्लायंस नहीं है, बंदा ऊपर से गिर सकता है, ठीक है, बंदा इंजर्ड हो सकता है, फैटेलिटी हो सकती है, वहां भी आपको सेफ वर्क परमिट की जरूरत महसूस हो सकती है। और ऐसी जगह पे जहाँ ऊपर ओवरहेड केबल्स हैं, वायर्स हैं, केवीएस है 50 केवीएस से अबव हैं, तो वहाँ भी अगर आपके कोई लिफ्टिंग ऑपरेशन हो रहा है या कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो तब भी आपको चाहिए सेफ वर्क परमिट, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा है, फायर होने का खतरा है, ठीक है, ये आपने। अब वो कहता है जी कॉशन, एहतियात कीजिए, हैज़र्डस मटेरियल सेफ वर्क परमिट रिक्वायर, तो आपको इंतबाह कर रहा है, बता रहा है कि आपको सेफ वर्क परमिट की, ऐसे वो साइन बोर्ड लगा होता है अक्सर आपने देखा होगा जिसपे परमिट्स चाहिए होते हैं। परमिट आर इश्यूड फॉर स्पेसिफिक डेट टाइम उस पर लिखा होता है, जॉब स्पेसिफिक बताई होती है, किसने बनाया उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया होता है इसके अंदर, ठीक है, डेट और टाइम का बताया होता है, ठीक है। आगे चलते हैं जी, वो कहते हैं जी रिव्यू करना होता है, साइन करना होता है, अब इसमें डिफरेंट लोग होते हैं, ठीक है, कोई एरिया अथॉरिटी होते हैं, ठीक है, वो स्टेशन कंट्रोलर होते हैं, इस तरह के उसको आगे वो चेक करते हैं, लेकिन इसमें तो खैर सुपरवाइजर बताया, वर्क एरिया मैनेजर बताया, ठीक है। वर्क मस्ट बी इन्फॉर्म्ड
अब वर्कर्स जो है उनको आपने कम्युनिकेट करना है, एमरजेंसी प्रोसीजर बतानी है, लोकेशन बतानी है, इक्विपमेंट बताने हैं, कौन कौन से हैजर्ड बताने हैं, कंट्रोल मेजर बताने हैं कि भाई ये मामला है, इसलिए हमने इसको इस तरह से डिस्कस किया है और ये परमिट हमें इशू हुआ है। ठीक हो गया। अब रिक्वायर्ड प्रिकॉशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करनी है, आपने कम्युनिकेट करनी है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव की, हर बंदे के साथ डिस्कस करें और उसको बताएं, ठीक है। पीपीएस के बारे में डिस्कस करने के, पीपीएस कौन कौन से आपने पहने हैं, किसकी परमिशन ली गई है, किसकी नहीं ली गई, ठीक है, ये आपने इसको डिस्कस करना है। और इसके अलावा जो आपने रिप्रेजेंटेटिव है वो आप अंडरग्राउंड फैसिलिटी के बारे में चेक करेगा, ठीक है, ये देखेगा पूरा अच्छे तरीके से सेफ पर वर्क परमिट के मुताबिक ही है, ये नहीं है कि कॉपी पेस्ट ही कर दे कहीं से, ठीक है। एंड में इसको समरी बताई गई है कि हॉट वर्क, कन्फाइंड स्पेस एंट्री, एक्सकवेशन हो गया, ब्लास्टिंग हो गया, और इस तरह की चीज़ें जो है, इक्विपमेंट वगैरह है जिसके लिए सेफ वर्क परमिट लाजमी चाहिए, साइन होनी चाहिए और वो वर्क एरिया पे पोस्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आगे बता रहा है कि अदर वर्क परमिट मे बी रिक्वायर्ड एट डिस्क्रिशन ऑफ द सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव, बाकी जो वर्क परमिट है उसके बारे में बता रहा है कि वो चाहिए कि वो एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, उनके साथ जो मतलब कि उसकी जरूरी जरूरत है, लाजमी जरूरत है, ठीक है। तो तीसरा परमिट विल बी इशूड बाय क्वालिफाइड बंदा जो सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव है उसको होना चाहिए, ठीक है। फायर मार्शल जो हॉट वर्क का कर सकता है और स्पेसिफिक जॉब के हिसाब से कर सकता है, और ये टाइम के साथ उसके साइन भी होना चाहिए, टाइम भी बताना चाहिए कितने टाइम के लिए वैलिड है, ठीक है। कौन कौन से लोग वर्कर्स उसे अफेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, ये उसमें डिटेल में डिस्कस करना है। आपने कहाँ से हेल्प लेनी है, जी वो कहता है जी सुपरवाइजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस सारी चीज़ का, ठीक है। आप सुपरवाइजर से बात कर सकते हैं, सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं, वो आपको डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेगा। जी हमारा टॉपिक ये भी खत्म हो गया। ईमेल एड्रेस आपके सामने है, ठीक है, वेबसाइट है हमारी, आप इस पर जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, ठीक है। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, अगर कोई क्वेश्चन है आपका आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारा मकसद हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रमोट करना है। आप किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो आपको, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे बातचीत कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी बात सुनी जाएगी। तब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।